अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी बन जाती है और ओनली 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, और ये आपके फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फेस पैक है ये, आपके फेस पे ग्लो आता है इससे और स्किन भी ब्राइटन होती है। तो जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, चलते हैं फेस पैक रेमेडी की तरफ। तो इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं जी, ये बीट रूट का मैंने पीस लिया, चिकंदर का पीस लिया एक छोटा सा, ये हमें चाहिए। साथ में हमें चाहिए मिल्क, और साथ में मैंने लिया जी चिया सीड्स। और चिया सीड्स और तुखमलंगा के बीच में आपको मैं डिफरेंस बता दूं, चिया सीड्स जो होते हैं वो जी दिखने में कुछ ब्राउन कलर के होते हैं और इस तरह जी छोटे छोटे से होते हैं, और जो तुखमलंगा होते हैं वो दिखने में ऐसे ब्लैक से डार्क ब्लैक होते हैं और साइज़ में भी थोड़े लंबे होते हैं, लाइक जो चावल का साइज़ होता है ना उससे थोड़े से ये छोटे होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट सीड्स हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि दोनों सेम है, तो इसलिए मैं आपको इसका डिफरेंस बता दिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हम रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो जी, चिया सीड्स को मैंने एक बाउल में डाल दिया, 2 टेबलस्पून मैंने चिया सीड्स लिए हैं। अब हम इसके अंदर जी मिल्क ऐड कर देंगे, तो ये जी मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया, इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये दूध के अंदर सारे मिक्स हो जाए। तो ये जी मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इनको 15 मिनट के लिए सोक करके मिल्क में रख दूँगी और 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, चिया सीड्स जो हैं वो हमारे मिल्क में जी राइस हो चुके हैं, और साथ में हमने ले लिया जी बीट रूट। और बीट रूट जो होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, खाने के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है। तो ये जी हमें यूज़ करना चाहिए खाने में भी और फेस के लिए भी। तो अब जी मैं इसको बीटरूट को मिक्स कर लूँगी चिया सीड्स में और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और इसका हमारे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो मैं जी आपको पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये जी हमारा पिंकी पेस्ट रेडी हो चुका है, फेस पैक। ये जी इस तरह से हमें चाहिए, इतना लिक्विड होना चाहिए। तो अब जी मैं इसको आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये जी मैं अब आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छे से आपने इसको अपने फेस पे नेक पे अप्लाई कर लेना है। तो ये जी मैंने सारा अप्लाई कर दिया, अच्छे से मैंने हैंड पे अपने लगा लिया। तो इसको मैं जी अब 15-20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी, अपने हाथ पे लगाई रखूंगी 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो ये जी 20 मिनट्स हो गए हैं पेस्ट को मेरे हाथ पे लगे हुए, अब मैं इसको स्पंज से क्लीन कर लूँगी। तो जी आपने जब इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपने भी स्पंज से पहले इसको क्लीन करना है, देन आपने फेस वॉश करना है वाटर से, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट वाटर से वॉश कर लिया ना तो ये जी सीड्स जो है ना इसके अंदर ये आपके फेस पे चिपक जाएंगे और ये फिर उतरेंगे नहीं सही से। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से स्पंज से क्लीन कर लेना है, देन आपने इसको वॉश करना है। तो ये जी मैं क्लीन करने लगी हूँ।
ये जी मैंने सारा स्पंज से इसको क्लीन कर लिया हैंड को, तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हैंड हो गया और कितना ग्लोइंग और कलर भी इसका फेयर हो गया जी थोड़ा सा। तो ये आप अपने फेस पे जब अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ दोनों हाथों में। तो ये देखें जी, तो ये जी थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।